अभिनेत्री सोनम कपूर अपनी फिल्म पैडमैन को लेकर चर्चा में थी, लेकिन अब सोनम किसी और वजह से भी चर्चा में आ गई हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट कर सोनाक्षी सिन्हा से माफी मांगी है, लेकिन क्यों ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। सोनम ने ये माफी सोनाक्षी के एक इंटरव्यू के बाद मांगी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सोनम की सोनाक्षी से माफी मांगने की असली वजह क्या है। चिंता मत कीजिए, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। दरअसल सोनाक्षी सिन्हा नेहा धूपिया के एक शो में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ पहुंची थी। शो के दौरान नेहा ने सोनाक्षी से पूछा कि क्या उन्हें कभी किसी बॉलीवुड स्टार ने बेवजह एटीट्यूड दिखाया है। इसके जवाब में सोनाक्षी ने सोनम कपूर का नाम लेते हुए कहा कि सोनम कपूर ने उन्हें एक बार काफी एटीट्यूड और टशन दिखाया था और उन्हें लगता है कि ये बेवजह था। वेल, अब इसी वाक्य के बाद सोनम ने सोनाक्षी से माफी मांगते हुए ये ट्वीट किया कि सोनाक्षी, मैं हमेशा से ही आपके लिए नर्म नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब आपको एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे माफ करना। अरे अरे रुकिए सोनम, जरा अपने माफी नामे पर ब्रेक तो लगाइए और जानने की कोशिश तो करिए कि आखिर सोनाक्षी ने ऐसा कहा क्यों। सोनम के माफी नामे के बाद सोनाक्षी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि वो इन सब बातों को सीरियस ना लें, क्योंकि ये सब महज एक शो का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम सब ऐसे शो का हिस्सा रह चुके हैं सोनम, जहां हमसे ये सब बुलवा लिया जाता है, इसलिए इन बातों को गंभीरता से ना लें। सोनाक्षी के इतना कहने पर मैडम सोनम ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। इतना कहने पर अक्सर लोग सदमे में चले जाते हैं, फिर सोनम तो परेशान सी ही हो गईं। आखिर इतनी क्यूट सोनम पर ऐसे आरोप जो सोनाक्षी ने लगा दिए, आखिर सोनम करती भी तो क्या।